Hello children, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. So children, today we are going to start chapter 5, Advanced Features of Microsoft Word 2010. Okay, so हमने already Microsoft Word के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने कुछ features के बारे में पढ़ा था, like format painter, text formatting, पेज सेटिंग्स, हेडर फुटर्स, ये सब हमने पढ़ा था ना चिल्ड्रन. सो अब हम फर्दर फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके सो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द टेक्स्ट. फाइंडिंग द टेक्स्ट मीन्स हम टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट में से फाइंड आउट करेंगे. ओके लाइक क्या है कि आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और आपको एक वर्ड को फाइंड आउट करना है कि वो वर्ड उस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर आया है. ओके सो आप क्या करेंगे चिल्ड्रन, टेक्स्ट को फाइंड आउट करेंगे. ओके सो जो इसके स्टेप्स हैं वो हम अभी बुक में से रीड करते हैं. ओके चिल्ड्रन, जो हम टेक्स्ट को फाइंड आउट करते हैं उसका यूज क्या है चिल्ड्रन, लाइक क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है और आपको पता लग गया है कि जहां जहां आपने ये वर्ड लिखा है उसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है. सो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप लाइन टू लाइन उस वर्ड को चेक करें, उसे ढूंढें. आप सीधा क्या करेंगे, फाइंड बटन होता है चिल्ड्रन, उस पर प्रेस करेंगे और जो आपने स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट करेंगे और आप उसे इजिली रिप्लेस कर सकते हैं. ओके सो हम टेक्स्ट को फाइंड कैसे करते हैं, अब हम इसे बुक में से रीड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 5, एडवांस फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट हियर. ओके सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एडवांस फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइक एडिटिंग, फॉर्मेटिंग. ओके इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्न्ड सम फॉर्मेटिंग फीचर्स एज वेल एज पेज सेटिंग ऑप्शंस. सो लास्ट लेक्चर में चिल्ड्रन हमने कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स और पेज सेटिंग ऑप्शंस के बारे में रीड आउट किया था. इन दिस लेसन यू विल लर्न मोर अबाउट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स इन वर्ड 2010. और इस लेसन में हम चिल्ड्रन एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड टूल्स और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, ड्राइंग टूल्स, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड कवर पेज एट्सेट्रा. सो ये सभी क्या हैं, टूल्स हैं. हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फाइंडिंग द टेक्स्ट. ओके इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे टेक्स्ट को फाइंड आउट करते हैं. व्हेन यू आर वर्किंग विथ लार्ज डॉक्यूमेंट्स, जब आप मतलब कि चिल्ड्रन लार्ज डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे होते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जो लेंथी होते हैं, वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द फाइंड फीचर. तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द फाइंड फीचर. तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है चिल्ड्रन उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फाइंड फीचर का यूज़ कर सकें एंड चेंज वर्ड्स और फ्रेजेस यूजिंग द रिप्लेस ऑप्शन. और हम डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं. टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन द करंट डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप. अगर हमें डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को चेंज करना है चिल्ड्रन, तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. सो चिल्ड्रन द स्टेप्स आर, फर्स्ट है क्लिक ऑन द फाइंड बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में एक बटन होगा फाइंड बटन. ओके ये उसका सिंबल है चिल्ड्रन, हम उस पर क्लिक करेंगे. ओके देन द नेविगेशन पेन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है चिल्ड्रन उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा. ये देखिए नेविगेशन पेन ऐसा होता है, ये हमारे विंडो के लेफ्ट साइड पर ओपन हो जाएगा.
Okay. The third step is type the text that you want to find out in the search document textbook at the top of the navigation pane. So children, जो ये navigation pane है इसके top पर क्या है? Search document. ठीक है, यहाँ पर हम search कर सकते हैं children. ठीक है, so जो भी word हमने type कर जो भी word हमें find out करना है हम यहाँ पर उसे type करेंगे. If the text is found in the document, अगर जो हमने टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है अगर वो हमें डॉक्यूमेंट में मिल जाता है चिल्ड्रन, इट विल बी हाइलाइटेड इन येलो. सो जो वो वर्ड होगा, वो वर्ड जहाँ जहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट के अंदर, वो क्या होगा? येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा. एंड अ प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड इन द नेविगेशन पेन. और जो उसका प्रीव्यू होगा वो नेविगेशन पेन में हमें शो होने लग जाएगा. ओके और एक और ऑप्शन है हमारे पास चिल्ड्रन, सिलेक्ट द एडवांस फाइंड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द सर्च डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बॉक्स. और हम क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, सर्च डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बॉक्स में से हम एक एडवांस फीचर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम एडवांस फाइंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन. इसको सिलेक्ट करने से क्या होगा? द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन द फिगर 5.2. सो देखिए चिल्ड्रन, ये 5.2 पे एक फिगर दी हुई है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स. सो ये क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है. ठीक है, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा चिल्ड्रन. सो हमें क्या करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, देन वी विल क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन. यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट का यहाँ पर एक बटन है, हम उसे क्या करेंगे? उस पर क्लिक करेंगे. दिस सर्च वर्ड विल गेट हाईलाइटेड इन द डॉक्यूमेंट. जो हमने वर्ड को सर्च किया है वो डॉक्यूमेंट में हाईलाइट होने लग जाएगा. ठीक है, सब्सिक्वेंट क्लिकिंग ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन विल हाईलाइट द अदर अक्रेंसेज इफ एनी ऑफ द सर्च टेक्स. सो क्या होगा चिल्ड्रन, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है और आपने उसमें सर्च करा है डियर. ठीक है, सो जो पहले डॉक्यूमेंट में डियर होगा पहले हमें वो हाईलाइट हो जाएगा, देन हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट, उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट में डियर होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा. ठीक है, सो क्या होगा, ऐसे ही हमें वर्ड्स हाईलाइटेड होते जाएंगे. ओके, आफ्टर फिनिशिंग दी सर्च, जब हम सर्च को फिनिश कर लेंगे, वर्ड डिस्प्ले इज अ मैसेज. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्च द डॉक्यूमेंट. ठीक है, हमें ये मैसेज आएगा, वर्ड हैज़ फिनिश्ड द सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, कि हमारी जो सर्चिंग है वो फिनिश हो चुकी है. देन क्लिक ऑन ओके, उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे. ओके चिल्ड्रन, आज हम इतना ही करेंगे. बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे.